नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप 7 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग टाइप 6 तो देख लेते थे, आप नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को जाकर देखिए, तब ये शायद आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। टाइप 7 में आज हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें पहला है इसका कि कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, जैसे मान लीजिए रेंडमली हम लोग कोई इक्वेशन हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 4x और प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और इसका हम लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 जो इसका कोएफिशिएंट नहीं रहेगा पीछे में दिया उसको हम क्या करें 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले हियर, देखिए a कितना होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ क्या है प्लस 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पे है माइनस 4, प्रॉपर साइन के साथ लेंगे यहाँ पे तो माइनस 4 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो गया जो कॉन्स्टेंट है, ये हो गया 2 हो गया। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, आगे देखिए तो d इक्वल टू यानी कि b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 1, और c का वैल्यू कितना है 2 है। तो माइनस का स्क्वायर दोस्तों होता है प्लस, 4 का स्क्वायर है 16, माइनस 4 बन जाए 4 इंटू 2 कितना है 8 हो जाएगा। तो देखिए d का वैल्यू यहाँ कितना आंसर आ गया 8 आ गया। तो ये दोस्तों इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो जब कभी डिस्क्रिमिनेंट कहेगा निकालने तो हम लोग इसी प्रोसेस का यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे सेकंड इसका क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हियर, देखिए a का वैल्यू कितना, a होता है x स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है, तो यहाँ पे कितना प्लस √3 है तो √3 लिख दिए। b क्या होता है जो x का कॉफिशियंट होता है, x का कॉफिशियंट क्या है यहाँ पे माइनस 2√2, प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे। और c इक्वल टू क्या है जो कॉन्स्टेंट है यानी कि माइनस 2√3। अभी आप लिखेंगे वी नो दैट d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए d इक्वल टू b का स्क्वायर, तो b कितना है माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a कितना है √3 इंटू c कितना है माइनस 2√3। ओके, आगे देखिए तो d का वैल्यू ये देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये माइनस ये 4 इंटू यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा प्लस, ये 4 हो गया। और देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो पहले यहाँ पे 2 लिख लीजिए इंटू √3 इंटू √3 क्या होता है √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से आप समझिए कि माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा प्लस, ये 4 हो गया और ये 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, बचा क्या √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 3 लिख दिए। आगे देखिए तो d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 24, तो d का वैल्यू हो गया दोस्तों 32 हो गया। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो दिया नहीं गया है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहले x इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, अब यहाँ पर लिखेंगे हियर a इक्वल टू, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये प्लस 2 है तो यहाँ 2 लिखिए। b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है माइनस 3 है, एंड c कितना है ये कॉन्स्टेंट 1। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वी नो दैट
डी इक्वल टू होता है बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो बी कितना है बताइए, बी है हम लोग का माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इन टू, ए का वैल्यू है टू और सी का वैल्यू है वन। ओके नेक्स्ट स्टेप देखिए, डी इक्वल टू ठीक है माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन माइनस ये फोर टू या एट, तो डी इक्वल टू हो जाएगा वन। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों को दिया ही गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, देखिए यहाँ एक्स ऑप्शन कुछ नहीं था तो यहाँ वन डाल दीजिए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस वन, बी बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि माइनस टू, और सी कितना, सी का वैल्यू है कॉन्स्टेंट यानी कि के। अभी आप लिखेंगे हम लोग वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो पुट कीजिए तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी देखिए बी कितना है माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन इंटू सी का वैल्यू कितना है के। आगे देखिए तो डी का वैल्यू हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस फोर इंटू वन हो जाएगा फोर इंटू के, तो फोर के, तो डी का वैल्यू दोस्तों यही हो गया इसका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए सर क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो दिया गया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कुछ नहीं, तो यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ पे वन डालिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हियर, देखिए ए का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये प्लस वन, बी कितना है एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि पी, एंड सी इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉन्स्टेंट है ये हो गया क्यू। ओके अभी आप लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अभी आप पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है पी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए यानी कि वन इंटू सी के जगह पे टू क्यू, तो देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा हम लोग को एट क्यू, फोर टू जा एट और ये हो जाएगा क्यू। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है ऑन सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करा है हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए हैविंग रियल रूट्स। हैविंग रियल रूट्स मतलब हो गया किसका, जब रियल रूट्स होगा तो, रियल रूट्स का मतलब हो गया कि डी का वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव में रहेगा तब इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, या तो डी का वैल्यू जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टाइप। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हियर पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि नाइन, बी का वैल्यू क्या है जो एक्स का कोएफिशिएंट है तो प्लस सेवन, और सी का वैल्यू कितना है माइनस टू। अब यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है बताइए, डी इक्वल टू होता है बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आगे देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो बी कितना है सेवन का स्क्वायर माइनस, बी कितना सेवन है तो सेवन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए यानी कि नाइन इंटू सी का वैल्यू कितना है माइनस टू। आगे देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा फोर्टी नाइन और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फोर नाइन या थर्टी सिक्स इंटू टू सेवेंटी टू, तो डी का वैल्यू मिल गया नाइन और टू हो जाएगा हम लोग को इलेवन और हो जाएगा सेवन फोर इलेवन और ये हो जाएगा वन ट्वेल्व, तो वन ट्वेंटी वन दोस्तों डी का वैल्यू मिल गया। ये क्या पॉजिटिव है, लिखेंगे सिंस डी इज ग्रेटर देन जीरो देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट्स। डी का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो, वन ट्वेंटी वन जो है जीरो से बड़ा है कि नहीं बताइए, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है इसीलिए क्या है रूट एग्जिस्ट करेगा। डी का वैल्यू जीरो भी दिया जाता तो भी रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे यही करा रियल रूट्स के लिए, यदि यहाँ पे डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा इससे आगे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे डी लेस देन जीरो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके अब इसमें कहा है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करने के लिए। ओके अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग दिया गया है k
किसके टर्म में दिया गया, x के टर्म में दिया गया, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखेंगे, लिखेंगे कि देयरफॉर ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। ओके आगे देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखना, ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। ओके इस प्रोसेस का यूज हम तब करेंगे जब डी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो या तो जीरो रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा, लेस देन जीरो होगा उसको हम लोग आगे स्टेप नहीं करेंगे, डी निकाल के छोड़ देंगे। ओके अब आगे देखिए, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 7 प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि 121 अपॉन में 2 इंटू ए, ए का वैल्यू है 9। ओके आगे देखिए, यहाँ पे अभी से आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस, देखिए दोस्तों रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होता है 11 होता है, हम लोग जानते हैं कि 11 के स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा 18। अब यहाँ से देखिए दो वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे और एक निगेटिव लेंगे। देखिए x इक्वल टू पहले पॉजिटिव वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 7 एज इट इज, ये प्लस लिखेंगे और 11 अपॉन में हो जाएगा 18, और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 एज इट इज, फिर नीचे वाला साइन लेंगे निगेटिव यानी कि माइनस 11 अपॉन में 18। फिर समझिए यहाँ पे ये माइनस 7 एज इट इज रहेगा, ये प्लस 11 अपॉन में 18, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा माइनस 7, ये माइनस 11 अपॉन में 18। इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल, देखिए 11 में 7 जाए तो जाएगा 4 अपॉन में 18, और x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 11 तो जाएगा माइनस 18 अपॉन में 18। कैंसिल कीजिए, 2 जाए 2 9 जाए, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखिए इसका फाइनल आंसर दोस्तों कितना आ गया बताइए, x इक्वल टू एक आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 9, और x इक्वल टू ये माइनस 1, तो यही इसका आंसर हो गया कि 2 अपॉन 9 और माइनस 1। आई होप दोस्तों इसका क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें समझिए कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जब रूट रियल, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा यानी कि रियल रूट से रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हियर a इक्वल टू कितना है 2, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, बी कितना है एक्स का ऑप्शन कितना है 5√3, और सी इक्वल टू कितना हो गया 6 है। आगे देखिए, इसे आगे देखिए, आप लिखेंगे वी नो दैट d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो d इक्वल टू बी का स्क्वायर, देखिए b कितना है 5√3 का होल स्क्वायर b है, माइनस 4 इंटू ए के जगह पे है 2 इंटू सी के जगह कितना है 6 है। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो d इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 टू जाए 8, 8 6 जाए 48। ओके अब आगे देखिए, तो d इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 48, देखिए d का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7, और यह 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, तो d का वैल्यू कितना निकल गया 27 हो गया, यानी कि d का वैल्यू 0 से बड़ा है। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट्स, यानी कि रूट्स इसका निकलेगा क्योंकि d का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब नेक्स्ट में देखिए इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इससे आगे देखिए, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2 है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हम लोग को है कितना 5√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू आया 27 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5√3 प्लस माइनस, देखिए रूट अंडर 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं, कैसे देखिए रूट अंडर 27 है ना, इसको क्या लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से पेयर लगाइए, एक बार हो गया, ये तो सिंगल ही है तो ये तो रूट में रहेगा, यानी कि रूट अंडर 27 को हम लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं अपॉन में ये 2 2 जा हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार क्या करेंगे निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से देखिए एक्स का वैल्यू जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा माइनस 5√3 एज इट इज, ये प्लस ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में 4, और एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस 5√3 और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3√3
अपॉन में हो जाएगा 4। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए x इक्वल टू, देखिए 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 रूट अंडर 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ओके, और ये x इक्वल टू देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 रूट अंडर 3 अपॉन में 4। इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया माइनस रूट अंडर 3 अपॉन में 2। ओके, और यहाँ पर हम लोगों को मिल गया माइनस 2 रूट अंडर 3। तो ये दोनों दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग दिया गया 25x² प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया गया। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हियर, देखिए a का वैल्यू कितना है 25, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन ए होता है, b कितना है 20 और c कितना है 7। अब यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो d इक्वल टू b का स्क्वायर, तो b कितना है 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक जगह 25 और c की जगह पे 7। आगे देखिए, तो ये d इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस, ये हो जाएगा देखिए 25 इंटू 4 हो गया 100 इंटू 7, 700 हो जाएगा। तो d का वैल्यू हो जाएगा 400 में 700 जाएगा तो जाएगा माइनस 300 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों कि d का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आ गया है, देखेंगे सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो d का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व भी नहीं करना है। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने के तरीके भी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।